नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और इस वक्त हम शाजापुर बॉर्डर पर है और हमारे साथ किसान है और किसानों का रथ ट्रैक्टर भी है। हम उसी पर मौजूद हैं जिससे कल 26 जनवरी को इसी रथ के द्वारा परेड की जाएगी। तो यहाँ पर मौजूद है, अभी हमारे साथ कुछ साथी भी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहनलाल बैरवा, सोशल एक्टिविस्ट और किसान। सर, किसान शक्ल से तो नहीं लग रहे, कपड़ों से तो नहीं? हाँ, आप ये सवाल जरूर करोगे, इसलिए मैं मेरे मोबाइल में मेरे जो कास्ट की जमीन है मेरे पास, उसके फोटो लाया हूँ। आप सब कहें तो मैं दिखाऊं? बिल्कुल दिखाओ ना, मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा उसी मोबाइल को जूम करके और दिखाए कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ी बहुत जमीन का मालिक हूँ और इस नाते मेरा किसान धर्म है और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर से हूँ और मेरा गाँव है 400 तहसील में जयप्रकाशपुरा। देखिए, ये तो मेरी पासबुक की फोटो है, जूम कर दिखा दीजिए आप। हाथ रहो। ये मेरी पासबुक है और ये मेरी जमीन का इसमें जी वो हमने देख लिया। ठीक है, अब बताएं आपकी क्या क्या है 26 तारीख कल, क्या इरादा है? देखिए, देश की आज़ादी की दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई है और मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था तो वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाया था, लेकिन आज देश के किसान कमीरा दलित शोषित पीड़ित मुस्लिमों पर जब उनके हक और अधिकार को मोदी सरकार द्वारा ख़त्म करने की बात आ रही है तो ये सारा वर्ग उठ खड़ा हुआ है। ये आम जनता का आंदोलन बन चुका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर बात करें तो सरकार ने तो एक तरफ से अपनी से रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो कानून वापस नहीं लेगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, तो अब आपका क्या इरादा है? सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम किसान को दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी, हम दिल्ली की छाती पे आ रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान साथी है, उनसे भी पूछेंगे। बताएं कहां से आए हैं आप? जयपुर से, सत्यनारायण सोनी जी, और किसानों के इंजीनियर सिंधु घाटी सभ्यता के जनक और गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे। सबसे पहले तो बात करेंगे किसानों के इंजीनियर की, तो आप कैसे बने? अरे वाह मेरे राजा, बहुत सही बोले हो आप। हम सुनार, सुथार, नाई और आपके कुम्हार खाती, जब किसानों को लुहार, किसानों को जरूरत जैसे जैसे पड़ी लोहे की, तो ये सबसे पहले आगे आके औजार बनाए, और जांगीड़ को लकड़ी का काम करने की जरूरत पड़ी तो किसानों के साथ में जांगीड़ आए, सुनारों को जरूरत पड़ी किसानों को तो जेवर बनाकर बनाने के लिए, हम उनके इंजीनियर हैं हर वक्त। हम उस वक्त भी हमें सालाना दिया जाता था और हम किसानों के कारण से हमारा पोषण होता था, इसलिए हम इंजीनियर है। बोलिए, आप मीडिया कर्मी, दूसरी बात भी बताई थी उसका भी आप जरा बता दीजिए। कौन सी वाली? किसान, पहले तो आप किसानों के इंजीनियर हो गए, दूसरा भी आपने सिंधु घाटी सभ्यता के जनक कैसे? बहुत बढ़िया बोले हो। जब सम्राट अशोक का काल था, जो सोने की चिड़िया थी, हल्दी मिर्चा सोने का जेवर एंटीक वगैरह सब छोटे छोटे हाथ से काम करने वाले, और किसान जो है फसल वगैरह जो है अदरक हो चाहे हल्दी हो कुछ भी उगाने वाले, वहाँ थोड़ा थोड़ा बिकता था, विदेशी लोग आते थे और सोने के बिस्कुट वगैरह सोने की मुहर्रम वगैरह देते थे और हम हमारा सामान देते थे हाथ से काम किया हुआ, इसलिए हम जनक है। इसलिए उस वक्त 1919 में आपके 13 डॉलर और 1 रुपया बराबर था, 1947 में रुपया डॉलर बराबर हो गया और आज हमारे कुछ गद्दारों ने कहाँ तक पहुँचा दिया, 74-75 जो है डॉलर पैदा कर दिया, देश को लूट रहे हैं, देश में दिमक आ गई है। तीसरा भी आपने बताया था कि गुरु नानक जी के पंच पे आ रहे हैं, वो भी बताएं। हाँ, बहुत सुंदर, गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे रखा गया था, सलाहकार के अंदर में लकड़ी का काम करने वाला, सोने चांदी तांबे का काम करने वाला, आपके जो है ये क्या बोलते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह, वो उनको मालूम था कि ये जैसे आरएसएस ने कैप्चर किया ना सर, आरएसएस ने ये जो छोटी छोटी बिरादरियां हैं जाटों के खिलाफ या और किसी के खिलाफ झड़के कह रहे हिंदुत्व के नाम से, आरएसएस ने जो आज यूज लिया है, तो गुरु गोविंद सिंह उनको पंच प्यारे मानते थे, इज्जत देते थे, ये इसलिए हम पंच प्यारे हैं।
तो अब आपका सीधा सीधा सी बात है कि सरकार से क्या सवाल है? सरकार से ये सवाल है, पहले तो लोग सब कहते हैं यार मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसे कर दिया। एक्चुअल में मोदी कुछ भी नहीं है, मोदी रखा हो, जैसे एक औरत के एक कसम खरक घरवाले के औरत होती है तो उसको कह सकते हैं ये मेरी औरत है, कह सकते हैं। एक दूसरी रखी हुई होती है तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये तो ऐसे है रखी हुई। तो मोदी ऐसे ही रखा हुआ है मोहन भागवत का। तो आज अगर 10% आरक्षण जो दिया है 72 घंटे में, तो इनके जो है बाप जादे को उसने दिया है उसका एक कहना मानता है, ये अडानी अंबानी मोहन भागवत के कहने से ये कार्य हो रहा है। मोदी कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी अड़ा इसलिए है, ये किसानों की अड़ा इसलिए है कि वो जो काका जी बैठे ना अडानी अंबानी भागवत, मिनट दो के अंदर में इसको कबूतर बना देंगे, ये चक्कर है। तो हम इस देश के अंदर में आज जो है अभी जयपुर से 45 आदमी आए हैं दस्तकार समाज के, सर सुन रहे हो आप? बिल्कुल। दस्तकार समाज के लिए किसानों, हमारे इंजीनियर, हमारे किसान के लिए सुन, अभी भाई साहब सुथार आए हैं, आपके लोहार आए, पांचाल समाज से आए, सुनार भी आए हैं, 8-10 सुनार भी आए हैं, और आपके जो है ये कुमार भी आए हैं। ये सब जातियों ने जयपुर के अंदर में हंगामा किया, बोले नहीं आज अगर किसानों को अगर न्याय नहीं मिला हमारी हालात ख़राब हो जाएगी। पेट्रोल जैसे 30-35 रुपये था आज 100 पहुँच गए, आज धान अगर 25-30 रुपये किलो है तो ये पहुँच जाएगा कहाँ, 100 रुपये तक लेने के बाटे। आज हालात देश की ख़राब हो रखी है, इतनी हालात आप देख रहे हो। किसान सड़कों पर कब तक रहेंगे? सरकार तो नहीं मानने वाली है, उसके हिसाब से तो लग रहा है। इनका चाचा भी मानेगा। अभी इसके क्या है कि तकलीफ ये बात की है कि इसका जो ऊपर में बैठा है इसका जो है वो मठाधीश, वो उनको जो है अंगुली कर रहा है, वो देखे थक जाएंगे किसान। किसान कब थकने वाले, किसान तो सुबह 5 बजे उठते हैं और उठ के रात को 9 बजे तक कार्य करते हैं अपना, कहीं भी थकने वाले नहीं है। किसानों की महिलाएं थकने वाले नहीं है, बेटियां थकने वाली नहीं है। किसानों को बेटे जवान है देश पे, जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो थकने वाले में से नहीं है। 11 से 12 लगभग वार्ता भी हो चुकी है सरकार के साथ किसानों की, वो करेंगे। तो हर बार अब तो उन्होंने मना भी कर दिया कि अब कोई तारीख नहीं है, तो अब क्या आपको उम्मीद लग रही है? ऐसे है मीडिया के आप धन्यवाद, आपको सवाल बहुत स्ट्रिक पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। क्या किसानों पर ही वारदात हुई है? क्या आपके सिखों पे वारदात नहीं हुई? आपके मुस्लिमों के वारदात नहीं हुई? अलग अलग तरीके से जाए किसान, अब की दबे आंटी फंस गई है किसानों के, सबको इन्होंने सिलेंडर कर दिया अपने कब्जे में। देखिए किसानों को भी हम जो है अपने अंडर में ले ले, किसानों के बारे में पूरा समझ नहीं पाया ये लोग। अब ये आंटी तगड़ी फंस गई है, किसान कभी नहीं मानेंगे इस बात से। किसान देश के लिए कर रहा है, अपने लिए बात ही नहीं कर रहा है। किसान देश हित के लिए बात कर रहा है कि देश ये है, देश है तो हम है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, सही है। तो चलिए आपने चलते चलते आप अपना नाम बता दीजिए। सत्यनारायण सोनी, ओबीसी परिवार से हूँ, और जो आरएसएस के अंदर में हमारे छोटे छोटे कौम फंसी हुई है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपको और बता देता हूँ, बहुत अहम ज़रूरी है, बताइए। कारण है कि आज हमारे जो है छोटे छोटे कौम है हिंदू 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 कर रहे हैं, इनको ये नॉलेज नहीं है कि हमारे कौन से ग्रंथ में हिंदू लिखा हुआ है। कोई रामायण में, महाभारत में, स्तुति में, किसी में भी नहीं है। सनातन धर्म लिखा हुआ है सर, सनातन धर्म लिखा हुआ है, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा है। ये हिंदू हिंदू बोल के, हिंदू के नाम से, मैं जाति के नाम कभी नहीं बोलता हूँ, न मैं ब्राह्मणों के खिलाफ हूँ, ब्राह्मण वर्ण के खिलाफ हूँ। वर्ण जो व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये बनाई है, और ये ओबीसी को विशेष करके शूद्र बनाया गया है। कैसे है ये, 2 मिनट और बता देता हूँ, 1 मिनट कैसे बने हैं शूद्र। धर्म के शास्त्र में आचार्य जी क्या लिखा है, क्लियर लिखा है कि ब्राह्मण का काम है आपके धर्म की रक्षा करना, धर्म की प्रचार करना और शिक्षा देना, ये काम लिखा है, मैं राइट मानता हूँ, कोई गलत नहीं है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वो भी राइट है, और वैश्य का काम है धन उत्पत्ति कर करके और बंटवारा करना, राइट। शूद्र का काम क्या है, सेवा करना, तीनों वर्णों। अब ये बताइए कि एक चमार को या मेघवाल को, ग्रेगर को बढ़िया सा दूध का गिलास देके नुहा धुआ के ऐसे टनाटन करके और पंडित जी को कहेंगे, पहले वर्ण को कहेंगे कि महाराज आपने लिखा था शूद्र कि सेवा करेगा तो ये दूध पीजिए, तो वो पूछेगा अरे तू किस जाति का है। हाँ।
ऐसे है कि शूद्र को बताया गया है जाट तो जो है धन उगा धान उगाएगा वो सेवा करेगा, जब महाराज ये लो हमारी छोरी को ब्याह है, माड़ी फल फ्रूट लियागा, सब्जी लियागा, गुजर दूध लियागा, सुनार गेणो घड़ेगा, नाई मालिश और पालिश में रहोगा और थारे जांगिड़ लकड़ी को काम करेगा। जांगिड़ आज सचिवालय के अंदर में कुर्सियाँ हैं लेकिन एक भी कुर्सी नहीं है, विधानसभा के अंदर में जांगिड़ों की कुर्सियाँ एक भी नहीं है, आपके संसद भवन के अंदर में आपके हमारा ये जो मोदी ओबीसी ओबीसी करके आया था, सबसे पहले आते ही इसने क्या किया, जाति गणना रुकवाई सबसे पहले। अरे जाति गणना अगर नहीं होगी, अरे थारे घर में छोरी को ब्याह है, सग्गा ने पूछोगा कोनी कि बराती कितना लाओगा भाई साहब, तो पहले पूछा जाता है। तो आज ओबीसी की जनगणना नहीं हुई आज 1931 के बाद में, और उसके बाद में क्रिमिनल लगा दिया कि तेरे दांत है क्या, बोले दांत है तो तेरे को कुछ नहीं देंगे, बिना दांत वाले को चना दे देंगे। तो ये है, उसके बाद में 314 ओबीसी के, हेलो सुनो भाई साहब, ओबीसी के आरएस आईएस आईपीएस बने हुए उनको क्या मोदी जी ने आते हटा दिया, बोले आप क्रिमिनलियर में हो। क्रिमिनलियर क्या होती है हमारे लोगों को अभी यही पता नहीं है क्रिमिनलियर क्या होती है। क्रिमिनलियर आईटी इनकम टैक्स ज़्यादा होगा, एक उस वक्त 1,00,000 रुपये था 1952 की 92 की बात है, जब आडवाणी रथ यात्रा निकला था, हर हर गली के अंदर में मारकूट हो रही थी और हिंदू हिंदू नाम के से सारे देश के अंदर में मारे गए थे हमारे ओबीसी के लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बताएं भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। बताएं जी, तो ऐसे सज धज के कैसे किसान आंदोलन में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मैंने स्ट्रीम जो मीडिया है वो नहीं दिखा रहा, वो आप दिखा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो रियलिटी है, जो धरातल की है, वो आप जनता तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बताएं क्या आंदोलन में, कैसे आप कहाँ से आए? आंदोलन में ये बड़ी दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि आज किसान को और हमको ये रोड पे आना पड़ा है। ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये मजबूरी है, हमें आना पड़ा है, धरती माँ को बचाने के लिए हमें आना है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक हम घर नहीं जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, हाँ बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैं निवासी जिला नागौर से हूँ और जयपुर रहता हूँ, हम लोग जयपुर से आए हैं। पढ़ाई करते हैं आप? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। तो सोशल वर्कर हो तो किसान आंदोलन में कब से हैं आप? किसान आंदोलन में आज लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से आप यहाँ साजापुर बॉर्डर पर ही हो? बीच में आए हैं, फिर 2 दिन जयपुर, फिर वापसी आए हैं, यहाँ रहे हैं, फिर वापसी जयपुर। तो क्या लगता है सरकार बात मान लेगी आपकी? आपको क्या लगता है सरकार बात मान लेगी? देखिए जनता के पीछे सरकार है, आज चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो प्रेसिडेंट हैं, वे सभी जनता के पीछे है, तो मानना पड़ेगा। मोदी जी ये देश के अन्नदाता है, इनकी बात माननी ही पड़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारी यात्रा जारी है।